बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू यूएसए फार्मेसी कॉलेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फेक्शन एंड डिजीज। इन्फेक्शन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है। द होस्ट एंड द पैरासाइट, वो दो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, एक होस्ट होता है और दूसरा पैरासाइट होता है। एंड द कंपिटिशन फॉर सुपरमेसी दैट टेक्स प्लेस बिटवीन देम। और इसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है सुपरमेसी का, जो टेक्स प्लेस होता है और जिसमें ज्यादा पावर होती है, जो ज्यादा सुप्रीम होता है या ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो क्या होता है, वो कंपटीशन जीत जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल के एक पैरासाइट है, एक होस्ट है, अगर होस्ट स्ट्रांग होगा कंपटीशन में तो क्या होगा कि पैरासाइट का उसके ऊपर असर नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। बट अगर पैरासाइट स्ट्रांग है बनिस्बत होस्ट के, तो पैरासाइट अपना काम कर लेगा, डिजीज काज कर लेगा। अ होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज स्ट्रांग रिमेन्स हेल्दी एंड द पैरासाइट इज इधर ड्रिवन फ्रॉम द होस्ट और अज्यूम्स अ बीइंग रिलेशनशिप विद द होस्ट। अगर तो कहते हैं होस्ट की रेजिस्टेंस पार, उसको रोकने की पार, उसकी ताकत स्ट्रांग है, ताकतवर है, अच्छी है, तो वो सेहतमंद ही रहेगा, ठीक रहेगा, उस पे पैरासाइट का असर नहीं होगा, तो पैरासाइट का उसके साथ रिलेशनशिप हो जाएगा या फिर वो होस्ट से बाहर निकल जाएगा। बाय कंट्रास्ट, लेकिन इसके अगर मतजाद हम देखें, इसका उल्ट अगर हम देखें, अगर इफ द होस्ट लूजेस द कंपटीशन, लेकिन अगर होस्ट कंपटीशन हार जाता है, डिजीज डिवेलप, तो डिजीज डिवेलप हो जाती है। डिजीज में भी कम conceptualized as any change from the general state of good health, कहते हैं डिजीज का कंसेप्ट ये दिया जाता है कि ये क्या होता है कि एक अच्छी सेहत, उसमें कोई भी तब्दीली आई है, नागवारा तब्दीली आई है, तो उसको क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट डिजीज एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिम, कहते हैं कि ये बात याद रखने वाली है कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम नहीं है, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। अ पर्सन मे बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिजीज्ड, कहते हैं हो सकता है एक फर्द है वो डिजीज के अलावा इन्फेक्टेड हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए। अब बेसिकली इन्फेक्शन और डिजीज में डिफरेंस क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, जब कोई भी पैरासाइट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है और वो मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, वो जो स्टेट होती है उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। बट जब एंटर हो जाता है, वो हमारे सेल को इफेक्टेड कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सेल पे असर कर देता है, अपना सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया, तो वो सेल जो है एक दूसरे को फिर डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं उस टर्म को, और हमें उसकी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती है, अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती है, कमजोरी शुरू हो जाती है, बीमारी उसे कहते हैं। जब तक बीमारी शो नहीं होती, उसकी सिम्टम्स शो नहीं होती, जब सिंपली वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड होता है, मल्टीप्लाई होता है, उस स्टेट को हम इन्फेक्शन कहते हैं। और एंटर होने के बाद जब हमारे सेल्स पे असर करना वो शुरू कर देता है, सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, हमें कमजोरी शुरू हो जाती है, इलनेस शुरू हो जाती है, सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाती है, उस स्टेट को हम डिजीज कहते हैं। The normal flora is the population of microorganisms that infect the body without causing disease. Normal flora क्या होता है, हमारे पास वो वाली आबादी होती है microorganism की जो body को disease cause किए बगैर infect करती है, body के अंदर multiply होता है। The relationship between the body and its normal flora is an example of symbiosis. कहते हैं कि normal flora और microorganism के दरमियान जो relationship है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, symbiosis relationship कहते हैं। अब इसमें उन्होंने डिफरेंट रिलेशनशिप बताए हुए हैं, सबसे पहले म्यूचुअलिज्म बताया हुआ है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इन सम केसेस द सिंबायोसिस इज बेनिफिशियल टू बोथ द बॉडी एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहते हैं बाज औकात क्या होता है कि ये जो सिंबायोसिस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और होस्ट दोनों का रिलेशनशिप जो होता है, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म,
जिसमें दोनों को फायदा होता है, पैरासाइट को भी और होस्ट को भी, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। स्पीशीज ऑफ लैक्टोबेसिलस लिव इन द ह्यूमन वजाइना, ह्यूमन वजाइना के अंदर एक स्पीशी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसको लैक्टोबेसिलस कहते हैं बैक्टीरिया, एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेके आता है व्हाइल प्रोड्यूसिंग एसिड टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और फायदा क्या देता है कि वहां पे किसी और ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ को रोक देता है। जिस रिलेशनशिप में, जिस सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल हमें लैक्टोबैसिलस की दी है, जो ह्यूमन वजाइना के अंदर होता है, एनवायरनमेंट से वो अपना न्यूट्रिएंट ड्राइव करता है, और जबकि वहां जहां पे वो रह रहा होता है वजाइना के अंदर, वहां पे किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ओवर ग्रोथ को क्या करता है, वो स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। नेक्स्ट हमारे पास कमेंसलिज्म आ जाता है। कमेंसलिज्म बेसिकली क्या होता है, इन सम केसेस द सिम्बायोसिस इज बेनिफिशियल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाज औकात क्या होता है, ये जो सिम्बायोसिस है, रिलेशनशिप है, ताल्लुक है होस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ये क्या होता है बेसिकली, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि होस्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इस रिलेशनशिप को, इस सिम्बायोसिस को हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। एसर्शिया कोलाई इज जनरली प्रीज्यूम्ड टू बी अ कमेंसल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है एसर्शिया कोलाई, उसको फायदा होता है, जबकि हमें बाजू का उससे नुकसान हो रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, इसके बाद इसकी अक्रंस आ जाती है, अक्रंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा की। अगर हम अक्रंस देखें तो डिफरेंट रीजन्स पे इसकी अक्रंस शो हो रही है, डिफरेंट एरियाज में इसकी अक्रंस शो हो रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। तो वो अगर हम इसकी डिफरेंट देखें तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है स्किन पे इसके नॉर्मल फ्लोरा की अक्रंस आ जाती है। स्किन पे अगर हम देखें तो कहते हैं जी, ऑन द स्किन फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए देखा जाए, there are various forms of viruses, fungi and bacteria, particularly staphylococci and propionibacterium acne। हमारी बॉडी के ऊपर बाजों का चिकनाई वगैरह आ जाती है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर बाजों का बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ओरल कैविटी है, द ओरल कैविटी कॉमनली कंटेन्स मेंबर्स ऑफ द जिनेरा नजेरिया, लेप्टोट्रोकिया एंड बैक्टीरियोइड्स, एज वेल एज मैनी डिफ्थेरिया लाइक बेसिलाई, डिफ्थोराइड्स, फंगल स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। ओरल कैविटी जो होती है माउथ वगैरह जो है, वहां पे क्या होता है, जहां पे ओपनिंग होती है, वहां पे ये डिफरेंट बैक्टीरियास पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर हम देखें, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द साइट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, कहते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो इन तमाम ऑर्गेनिज्म की साइट है, जगह है, एज वेल एज न्यूमोनोकोकाई एंड स्पीशीज ऑफ हीमोफिलस एंड माइकोप्लाज्मिया, ये सब जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म में काज रेस्पायरा, ये रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। टोरी डिजीज, इफ द रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है वो मे बी ये काज कर सकती है, इफ द बॉडी डिफेंसेस आर कंप्रोमाइज्ड, अगर तो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिजीज काज हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है।